यूएई का सबसे बड़ा शहर जहां तकरीबन 200 मुल्कों के लोग रहते हैं। आज से 20 साल पहले इस जगह पर सहरा हुआ करता था, लेकिन फिर 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि 200 मुल्कों के लोग दुबई आकर रहने पर मजबूर हो गए। आज ये दुनिया का तीसरा मोस्ट ट्रेवल्ड सिटी बन चुका है। इसका सारा क्रेडिट जाता है एक ऐसे जीनियस इंसान को जिन्होंने दुबई की इकोनॉमी को तेल से निकाल कर एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। यानी आज दुबई तेल पर नहीं चल रहा, दुबई की कमाई का सिर्फ 5% हिस्सा तेल से आता है। ये इंसान है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, दुबई के रूलर और यूएई के प्राइम मिनिस्टर। अब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ऐसा क्या किया कि 20 साल पहले एक सहरा आज दुनिया के 200 मुल्कों के लोगों का घर बन चुका है। दोस्तों, सबसे पहले तो इन्होंने दुबई में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े करना शुरू कर दिए जो दुनिया भर से लोगों की तवज्जो का बायस बन गए और अभी भी बन रहे हैं। चाहे वो फिर दुनिया का वाहिद 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब हो, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई मॉल हो, चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग 160 मंजिला बुर्ज खलीफा हो, या फिर मैन मेड आइलैंड यानी मस्नूई जजीरा पाम जुमेरा हो। यही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन है, वो भी दुबई में है। यहाँ 6 करोड़ फूल मौजूद हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा 5-स्टार होटल JW मैरियट भी दुबई में है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट गोल्ड सूक भी दुबई में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क IMG वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर भी दुबई में है। यहां तक कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक दफा डिज्नीलैंड से राबता किया था ताकि दुबई में डिज्नीलैंड भी खोला जा सके। हैरान कुन तौर पर डिज्नीलैंड ने दुबई में अपना थीम पार्क खोलने से इनकार कर दिया था, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद ने डिज्नीलैंड का इंतजार ही नहीं किया और दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क खोलने का फैसला कर लिया जिसका नाम दुबई लैंड होगा। ये डिज्नीलैंड से भी 2.5 गुना बड़ा होगा और 2019 में मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, कभी दुबई में बुर्ज अल अरब पर इंतहाई ऊंचाई पर टेनिस खेली जा रही होती है और कभी पानी के नीचे। यहाँ सोना निकालने वाली ATM मशीन्स भी मौजूद हैं। अब इन सब चीज़ों को दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती थी। ये ऐसी अट्रैक्शंस हैं जो लोगों को दुबई की तरफ खींच कर लाती रहीं। फिर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई को टैक्स फ्री सिटी बना दिया। यानी दुबई में आपको अपनी कमाई पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। इससे हुआ ये कि दुनिया भर से बिजनेसमैन और नौकरी पेशा लोग दुबई आकर रहने में इंटरेस्टेड होना शुरू हो गए। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम कितनी दूर की सोचते हैं वो आप पाम जुमेरा को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये मस्नूई जजीरा अगर एक गोल सा जजीरा बनता तो वहां कुछ घर ही समंदर के सामने बन सकते और बाकी घर इतने महंगे ना बिकते। लेकिन इन्होंने इस जजीरे को एक पाम ट्री की शक्ल इसलिए दी ताकि हर घर का रुख समंदर के सामने हो जाए और हर घर इंतहाई महंगा बिके। दुनिया भर से लोगों का दुबई में आकर रहने की एक और वजह यहाँ क्राइम रेट का इंतहाई कम होना है। दुबई दुनिया के महफूज तरीन मकामात में से एक है और उसकी वजह यहाँ के सख्त कानून है। अब तो दुबई में आपकी गाड़ी भी गंदी नहीं रह सकती। अगर आपकी गाड़ी गंदी पाई गई तो आपको 500 दिरहम का फाइन किया जाएगा। अगर आपने गाड़ी 15 दिनों में साफ ना की तो आपकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया जाएगा और उसके बाद आपकी गाड़ी को हुकूमत की तरफ से बेचा भी जा सकता है। जब सिर्फ गाड़ी गंदा होने पर कानून इतना सख्त हो तो लोग जुर्म करते हुए 100 बार सोचते हैं। दोस्तों, दुबई में अब ऐसी चीजें होनी जा रही हैं जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि बाकी दुनिया दुबई से बहुत पीछे रह जाएगी। पिछले महीने शेख मोहम्मद राशिद अल मक्तूम ने दुबई में दुबई 10X लॉन्च किया था, जिसका मतलब था कि दुबई को दुनिया के बाकी शहरों से 10 साल आगे ले जाना है और ऐसा हो भी रहा है। सबसे पहले दुबई के इस पैसेंजर ड्रोन को देखिए। ये एक फ्लाइंग टैक्सी है जिसका कोई पायलट नहीं है। सिंपली आप अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन के जरिए इसको बुक कराएं, जैसे हम उबर या क्रीम बुक करवाते हैं, और ये फ्लाइंग टैक्सी जिसको वोलोकॉप्टर कहते हैं आपको उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। ये वोलोकॉप्टर दुबई में अगले 5 साल में लॉन्च हो जाएगा। दुबई अब एक हाइपरलूप ट्रेन भी लॉन्च कर रहा है। ये ट्रेन एक वैक्यूम ट्यूब में चलेगी और सिर्फ 12 मिनट्स में 745 माइल्स पर आवर की स्पीड से 10,000 मुसाफिरों को दुबई से अबू धाबी ले जाएगी। इसके अलावा दुबई में ड्राइवरलेस गाड़ियों पर भी काम किया जा रहा है और इनका इरादा है कि 2025 तक दुबई में 25% गाड़ियां ड्राइवर्स के बगैर चलाई जाएंगी। इनमें ड्राइवरलेस टैक्सीज भी होंगी। अगर आप वोलोकॉप्टर पर उड़कर
जाना नहीं चाहते तो फिर आप एक सड़क पर चलने वाली टैक्सी भी मंगवा सकते हैं। इस टैक्सी का भी कोई ड्राइवर नहीं होगा और इसमें 30 लोग इकट्ठे सफर कर सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा दुबई अब स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी लॉन्च कर चुका है जहां पुलिस मौजूद ही नहीं होती। आप इन स्मार्ट पुलिस स्टेशन में जाएं और अपनी कंप्लेंट मशीन के जरिए दर्ज करा दें। यहां आप ऑनलाइन पुलिस से बात भी कर सकते हैं जो 6 जबानों में आपसे बात करती है। दुबई में दुबई कैनाल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया जा चुका है। ये एक 3 किलोमीटर लंबी मस्नूई नहर बनाई गई है जिसके इर्द गिर्द 450 रेस्टोरेंट्स, लग्जरी घर और चलने के लिए पाथ्स बनाए जाएंगे। नहर के अंदर भी 200 तैरते हुए यानी फ्लोटिंग घर और इसके अलावा तैरते हुए रेस्टोरेंट्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, बात यहां भी खत्म नहीं होती। दुबई अब एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिटी लॉन्च कर रहा है। ये दरअसल एक मॉल होगा जो दुनिया के कई बड़े शहरों से 3 गुना बड़ा होगा। इस शहरनुमा मॉल में 100 होटल्स और कॉम्प्लेक्सेस होंगे। इस शहर में सड़कें, ऊंची बिल्डिंग्स और ऐसी सब चीजें मौजूद होंगी। अब इसको टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिटी क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि ये पूरा शहर एयर कंडीशनड होगा, यानी सड़कें, पार्क्स, इमारतें सब एयर कंडीशनड होंगी। दोस्तों, दुबई दुनिया से कितना आगे सोच रहा है वो आपको इन बातों को जानकर शायद अंदाजा हो रहा होगा। सोचने वाली बात यह भी है कि हमसे थोड़ा सा दूर क्या कुछ हो रहा है और हम अभी तक उन्हीं मसलों में उलझे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद